वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी वो हम क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स में हमने जो है मीन मीडियन मोड के सारे ही मेथड के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था मीडियन, जो हम कर रहे थे। तो मीडियन में मैंने पिछले पार्ट 4 में आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल वे से उस मीडियन को आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपने वीडियो जरूर देखी होगी, पार्ट 4 की वीडियो, जिसमें हमने मीडियन को डिस्कस किया था, सिंपल मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट जो एक्सरसाइज 14.3 है उसमें कुछ एक क्वेश्चन से डिफिकल्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि फाइनल पेपर के एग्जाम में मीडियन से एक क्वेश्चन आपको 101% आएगा। तो इसलिए मीडियम से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए ये मीडियम का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं। तो पहले क्या होता, लेस देन मोर देन से क्वेश्चन आता था, बट इस बार लेस देन मोर देन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो है इस बार मीडियम का क्वेश्चन आएगा। तो आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो आगे 3 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं वो सिंपल मीडियन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जो पार्ट 4 की वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं बोर्ड में स्टूडेंट, आपके पास एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर, तो यहां पे आपके पास स्टूडेंट है क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 14.3 रिलेटेड टू मीडियन और मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड टू एग्जाम्पल नंबर 8। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस कर दूंगा, एग्जाम्पल नंबर 8 आप वहां से खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैथ्स परफेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4, और सारा क्वेश्चन इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो लिखा है 2, उसमें लिखा इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28 पॉइंट। तो स्टूडेंट यहां पे मीडियन जो है आपके पास, इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है आपके पास 28.5। तो स्टूडेंट सबसे पहली एक बात कि यहां से मीडियन आपको गिवन मिल रहा है 28.5 गिवन है। पर स्टूडेंट जब एग्जामिनर जो आप फाइंड आउट करते हैं और अगर ये गिवन दिया है, तो क्वेश्चन में आपको टेबल में देखो, सबसे पहले यहां पे क्लास इंटरवल आपके पास है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, 50 to 60। यहां से स्टूडेंट हमें क्लास साइज एच मिल जा रहा है, 10 का गैप है, तो क्लास साइज एच इज इक्वल मिल गया 10। स्टूडेंट नेक्स्ट टेबल है फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट जब फ्रीक्वेंसी लिख रहे 5x, अब देखो यहां पे स्टूडेंट आपको x की वैल्यू मिस आ रही है 20, 15, 22। तो स्टूडेंट यहां पे आपको इस फ्रीक्वेंसी में 2 वैल्यू मिस आई, तो ये स्टूडेंट मीन में भी आपको मिस वैल्यू थी, वहां तो मीन का मैथ लगा, पर मीडियन में भी जब भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिस होगी, अब देखो यहां से 2 वैल्यू मिस है, x और एक x की वैल्यू मिस है और एक y की, तो इसके बदले आपको अगर 2 वैल्यू मिस है तो इसके बदले 2 वैल्यू आपको गिवन है, एक स्टूडेंट आपके लिए मीडियन गिवन है और दूसरा जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करते थे, जिसको आप लेके चलते थे एन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 60, तो वो भी आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट क्या गिवन है। तो 2 चीजें मिस दी है, तो जब भी स्टूडेंट याद रखो, जब मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो चीज एग्जामिनर गिवन देता है उसके बदले कुछ चीज मिस देता है। करने का तरीका एग्जाम क्वेश्चन का हमारा वैसे का वैसा रहेगा। तो स्टूडेंट जिसको मीडियन नहीं भी क्लियर, तो अभी यहां से हम सेम बेस से चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टेबल हमारा बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम लिखते हैं शॉर्टकट में CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, मीडियन में सिर्फ एक टेबल, 2 टेबल आपके पास गिवन होंगे, एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे 5 है स्टूडेंट, तो मैंने कहा था कि 5 से ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, 0। तो 0 प्लस हमने 5 कर दिया, तो स्टूडेंट क्या बन गया आपके पास 5। जो लास्ट वाला डिजिट आया 5, तो ये 5 आ गया, और आगे आपको यहां से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एक्स, अब 5 प्लस है, और स्टूडेंट 5 प्लस एक्स दोनों एक वेरिएबल टर्म है कॉन्स्टेंट, तो इसको हम 5 प्लस एक्स नहीं कर सकते, तो ये एज इट रहेगा, तो ये ऐसे। अब यहां से स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म में आ गया, अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या स्टूडेंट 20 और 5, एक्स तो अलग ही है, तो 20 प्लस 5 क्या बन गया स्टूडेंट 25, और एक्स एज इट रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 25, अब देखो हमें ऐड करके कुछ 25 और 15, तो हमने कांस्टेंट टर्म को उसके साथ ऐड कर दिया, तो 5 से आपके पास बन गया 5, 10, 3, 4,
40 प्लस एक्स, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 40 प्लस एक्स और अब देखो 40 प्लस एक्स रहा और साथ में क्या है y, तो y अनदर वेरिएबल मिस वैल्यू आ गई, तो इसको क्या करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस y, अगर वेरिएबल टर्म है तो उसको ऐड नहीं कर सकते तो वो वैसे रहेगी। अब स्टूडेंट आगे अगर हमने किया तो कॉन्स्टेंट फाइव है तो ये आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट सेम तरीके से हमने वही चीज की कि ऊपर वाली जीरो है तो जो फाइव है वो यहां लिखा, अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड किया, फाइव प्लस एक्स को आगे ऐड किया तो कॉन्स्टेंट 25 बन गया। फिर आपके पास यहां से नेक्स्ट को आपने ऐड किया, ऐसे करते आप चलेगी। स्टूडेंट जब आपने यहां तो क्वेश्चन किया तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो भी स्टूडेंट यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म आएगी यहां पे वो किसके बराबर होती थी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर। तो ये दोनों टर्म का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि इन दोनों का जो है जो यहां पे अगर आपका टेबल सही बने आपने ठीक ऐड किया तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू बराबर होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर इसके बराबर होते तो यहां से स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन कुछ यहां से आपको गिवन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा स्टूडेंट 60। तो ये याद रखना, अगर वैसे आप सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ठीक आएंगी और यहां से अगर वैल्यू सेम आ गई तो आप आगे फार्मूला वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, पर यहां पे मिस वैल्यू है तो पहली इक्वेशन क्योंकि दो वेरिएबल में तो एक वेरिएबल यहां से सोल्व होगी इक्वेशन। तो जैसे स्टूडेंट 45 एक्स प्लस वाई आ गया तो नेक्स्ट में स्टूडेंट क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई यहां पे रहा और 45 दूसरी साइड को चला गया स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट एक्स प्लस वाई अब 60 से 15 स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। स्टूडेंट जब तक दो वेरिएबल की वैल्यू मिस होती तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाते, जब तक हमें दूसरी वैल्यू नहीं मिलती। तो इसके आगे अब दो वैल्यू मिस है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हमने नंबर वन मानकर यहीं पे छोड़ दिया, नंबर वन दिया। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप पता लगा जो इसके बराबर है इन दोनों को क्रिएट कर देना और यहां से एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी बनेगी। ये कंसेप्ट किया हमने किसके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर इससे। और दूसरी चीज अब क्या गिवन है स्टूडेंट, दूसरी चीज आपके पास स्टूडेंट ऊपर गिवन है मीडियन। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, मीडियन है 28.5 और मैंने आपको कहा था कि एक चीज आपने क्या करनी है, जो भी एन आएगा एन बाय टू का हाफ करना, तो एन 60 है और उसका हाफ करेंगे 30। तो मैंने कहा जो भी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मीडियन फाइंड करते टाइम मैंने कहा था एन बाय टू 60 का हाफ करेंगे और आएगा 30। उसको आपने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कहां चेक करना स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसमें ग्रेटेस्ट लेना है और नियरेस्ट लेना है, ये मैंने आपको बात बोली थी। पर स्टूडेंट अब अगर 30 की बात करें तो वो सिंपल मीडियन में हम इसको कहां देखते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अब यहां 5 है या एक्स है यहां भी एक्स है मतलब मिस वैल्यू है, तो हमें क्लेरिफाई नहीं हो रहा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप पे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपने इस कंसेप्ट को छोड़कर आपने फोकस करना है मीडियन के ऊपर कि मीडियन क्या है आपके पास 28.5 और मीडियन और मतलब आंसर है और आंसर हमेशा कहां से निकलता है क्लास इंटरवल से। तो स्टूडेंट यहां से आप देखेंगे क्लास इंटरवल जीरो, अब 28.5 है सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू मिस वैल्यू, अब 28.5 है तो क्लास इंटरवल में देखो किसके बीच में लाइज कर रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां से अगर आप चले तो जीरो से टेन में नहीं, 20 से 30 देखो 20 से 30 के बीच में मीडियन 28.5 है तो 20 और 30 के बीच में रहता है स्टूडेंट, दिस क्लास इज ए मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट यहां पे आप इस क्लास को बोल सकते हैं मीडियन क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मीडियन में मीडियन क्लास। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो आप यहां से 30 लेते और यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ढूंढते 30 का है, तो बट इस क्वेश्चन में आपने जब मीडियन गिवन होगा तो मीडियन गिवन होगा तो उसको आपने कहां देखना है क्लास इंटरवल में, कहां चेक करना है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कहां चेक करेंगे क्लास इंटरवल में। अब क्लास इंटरवल में आगे 20 to 30 तो इसका मतलब जो मीडियन क्लास आपके पास रही स्टूडेंट मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास आप कह सकते हैं 20 to 30। अब स्टूडेंट मीडियन क्लास 20 to 30 आ गया, अब आपके पास फॉर्मूले के हमारे पास फॉर्मूला क्या था मीडियन का, अब हम फॉर्मूले के साथ चलेंगे। तो स्टूडेंट मीडियन का फॉर्मूला था आपके पास राइट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये मीडियन का फॉर्मूला था स्टूडेंट। तो यहां से मीडियन स्टूडेंट आपके पास आया है 28.5 इज इक्वल एल,
एल मीन लोअर लिमिट 20, तो 20 आपके पास यहां आ गया, प्लस एन बाय टू, तो स्टूडेंट एन बाय टू हमने ऊपर निकाला है 30। और स्टूडेंट है माइनस सी एफ, तो सी एफ किसको बोला था स्टूडेंट, कि जो भी मीडियन क्लास होगी तो सी एफ हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर 25 प्लस एक्स है तो उसका पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी प्रसीडिंग, इसको लेंगे आप सी एफ, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को लेंगे सी एफ। तो यहां से स्टूडेंट ये आ गया माइनस फाइव प्लस एक्स, और एफ मीन फ्रीक्वेंसी, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की, दिस इज द एफ मीन, आपके पास आ गया 20। और स्टूडेंट क्लास साइज h = 10 आपके पास ऑलरेडी है, तो स्टूडेंट कह रहा है सबसे पहले फाइंड आउट द मीडियन क्लास, जब मीडियन गिवन होगा तो चेक द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को चेक करेंगे, और इसमें मिलेगा मीडियन क्लास मिल गई, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ होगी, और जो पहली वाली क्यूमुलेटिव होगी सी एफ। पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेशन करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, 28.5 माइनस 20, 20 को इस साइड ले आगे। अब यहां से स्टूडेंट क्या हुआ, यहां से 30 और ये माइनस 5 है, माइनस अंदर जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा स्टूडेंट माइनस का ध्यान रखेंगे, जीरो से जीरो कट गया और स्टूडेंट यहां पे बच गया 2। अब स्टूडेंट यहां से 28.5 है और 20 तो यहां से माइनस करके मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट ये आ जाएगा 8.5, और ये 2 जो है डिनोमिनेटर में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाए मल्टीप्लाई, तो यहां से 30 से गए 25 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट यहां से अगर इसको सोल्व करें तो 88.5 को अगर आप करेंगे तो 60 आपके पास क्यों आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 17, इसको मल्टीप्लाई, और 25 है तो 25 प्लस का, तो इस साइड आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहां से स्टूडेंट आपके पास माइनस 70 से माइनस 25 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 25 से 7 गए तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट यहां से माइनस कट जाएगा और यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट 8 आ गई। तो स्टूडेंट यहां से जो एक फ्रीक्वेंसी थी एक्स की वैल्यू वो आपके पास क्या निकल आई 8। कहां से स्टूडेंट, हमने फार्मूला लिया, फार्मूला जब भी फार्मूले की वैल्यू थी फार्मूले के साथ क्या कर दिया कंपेयर किया, और फार्मूले के साथ कंपेयर किया और आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। और स्टूडेंट हमने ऊपर एक नंबर वन क्वेश्चन आपके पास थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, जो एक्स प्लस वाई है इसकी वैल्यू को पुट एक्स इज इक्वल टू 8 इन नंबर वन, नंबर वन में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू, तो स्टूडेंट 8 और यहां एक्स की वैल्यू जो है वो आई 8 बाई इज इक्वल टू कितना आया 15। तो स्टूडेंट जब बाई दूसरी साइड जाएगा तो 15 माइनस 8 और यहां से आपके पास, तो स्टूडेंट जब आपने एक्स की वैल्यू 8 को उस नंबर वन क्वेश्चन के अंदर यहां पे पुट किया तो बाई इज इक्वल टू 15 और बाई की वैल्यू 15 कितना आ गया 7। तो स्टूडेंट बाई इज इक्वल टू 7 आ गया, तो यहां से एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू 7 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई, तो स्टूडेंट यहां से एक्स की वैल्यू भी मिल गई और बाई की वैल्यू भी मिल गई 7। अब 8 प्लस 7 क्या हुआ 15, तो क्वेश्चन को नंबर वन से देख के भी 15 क्लियर हो गया। और स्टूडेंट अगर इसको वेरीफाई करना चाहे तो यहां पे एक्स की वैल्यू को पुट कर दो, बाई की वैल्यू पुट करो, अगर इसका टोटल 60 मिल गया तो भी आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आपके पास मीडियन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें क्या था कि मिसिंग द फ्रीक्वेंसी थी जिसमें मीडियन गिवन था उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर समझ आ गया होगा तो इसको कमेंट जरूर कर दें, और इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 14.3 का, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है, तो क्वेश्चन को वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो, कि आप स्किप करते हैं तो जिससे कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होता। स्टूडेंट जब भी कंसेप्ट है कोई क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वो क्वेश्चन माइंड में रहता है, पर आप क्या करते हैं स्किप नहीं करना होता स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को देखें, एक बार माइंड में क्वेश्चन बैठ जाता है तो कभी भी नहीं भूलता है। तो क्वेश्चन चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट आपने देख रहे होंगे आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन वहां पे मैं इसको रीड करता हूं, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। स्टूडेंट नोट डाउन करना है कि 100 पॉलिसी होल्डर है, कैलकुलेट द मीडियन, क्या निकालना मीडियन, इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली 2% हैविंग एज 18 ईयर टू ऑनवर्ड बट लेस देन 60, मतलब 18 ईयर से लेकर आपके पास चलेगा 16 ईयर से कम तक। तो क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मैं यहां पे लिखा हुआ
ए इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इज इन ईयर। तो स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है नई चीज दिख रही है बिलो, तो स्टूडेंट यहां पे लिखा बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45। तो ये जो बिलो का कंसेप्ट है यहां पे, बिलो का मतलब क्या है कि बिलो कम से कम, तो इसमें हमें क्लास इंटरवल नहीं है, हमें क्लास इंटरवल क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो क्लास इंटरवल के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब भी क्लास इंटरवल होती है स्टूडेंट ये आया दिस इज द क्लास इंटरवल, इसमें एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। तो स्टूडेंट एक होता है बिलो होता है और एक होता है मोर देन। बिलो की जगह स्टूडेंट यहां पे अगर कई बार यहां पे लेस देन भी आ जाता है तो इसकी जगह लेस देन भी लिखा होगा, लेस देन दिस। तो स्टूडेंट जब भी बिलो या लेस देन या बिलो वर्ड आएगा, बिलो होगा या उसकी जगह क्या लिखा होगा स्टूडेंट, लेस देन। अगर लेस देन लिखा होगा तो उसका मतलब स्टूडेंट वो जाएगा अपर लिमिट के अगेंस्ट, मतलब उसके साथ लगेगी अपर लिमिट। और अगर स्टूडेंट यहां पे लिखा होगा मोर देन और इक्वल टू, अगर मोर देन और इक्वल टू लिखा होगा तो इसका मतलब वो आएगा लोअर लिमिट के अगेंस्ट, लोअर लिमिट आएगी। स्टूडेंट ये आपने जब एक्सरसाइज लेस देन मोर देन उजाइब की नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये यूजेज ज्यादा होते हैं, यहां पे सिंपल क्वेश्चन ही है तो यहां पे ज्यादा आपको इसके डीपली जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर बिलो का है तो क्लास इंटरवल बनानी है। तो स्टूडेंट हमारे से हम देखेंगे 20 से 25 कितने का गैप आ रहा है, 5 7 5 का, 25 30 कितने का रहा है, 5 का। तो यहां से स्टूडेंट हमें ये एक चीज क्लियर हो गई कि यहां से क्लास साइज एच जो है वो हमारे पास कितना है, 5। तो यहां से क्लास साइज आपको क्लियर है, तो यहां से क्लास साइज आपके पास आ गया 5। और स्टूडेंट यहां से क्लास साइज, तो यहां से हमने फर्स्ट में क्या लिख देना, जैसे क्लास इंटर बिलो और ये जो है अपर लिमिट है, अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट बिलो 20 अपर लिमिट आ गए। अब 20, अब आपको तो क्लास इंटरवल लिखते डाटा कंटिन्यूटी में होता है, तो 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो स्टूडेंट ये देखो अपर लिमिट है, तो मतलब इसने का मैं कहने का 20 से नीचे वाले 25 से नीचे, क्योंकि 25 तक अगर 20 तक यहां कवर होगा, 30 से नीचे 35 से नीचे बिलो का है, बिलो की जगह लेस देन लिखो। अगर मोर देन होगा तो स्टूडेंट मोर देन में क्या लिखा होगा, जैसे आपके आएगा मोर देन, तो मोर देन और इक्वल टू। तो स्टूडेंट ये जो लोअर लिमिट है, जैसे यहां पे 10 आ गया, मान लो मोर देन इक्वल टू 10 20 30, तो उसमें लोअर मतलब उसकी लोअर लिमिट लिखी जाएगी, अपर में उसमें कौन सी लिखी है, अपर लिमिट लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट बस इतना सा कंसेप्ट है, ये आप याद रखेंगे, फिर उसमें से आप क्या करेंगे क्लास इंटरवल ड्रॉ कर ली, क्लास इंटरवल आ गई। और स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहां पे मैंने एक बॉक्स खाली छोड़ दिया है, तो एक तो ट्विस्ट था कि बिलो होगा तो आप क्या करोगे, तो आपने ऐसे किया, मोर देन होगा तो आपके पास जैसे मोर देन लिखा होगा तो यहां से लोअर लिमिट लिखी होगी, वहां भी क्लास इंटरवल ऐसे ही बनेगी, तो आप ऐसे गैप देखेंगे और ऐसे आपके लिए लिख लेंगे आपके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट आप आगे ध्यान से दे, यहां पर उसने कहा था कि नंबर 100 नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, कितने पॉलिसी होल्डर है 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने 100, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। बट यहां पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर और यहां पे 100 आ रहा है, बल्कि वो तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 100 यहां आना चाहिए था। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम लिख रहे हैं, जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी ध्यान से पीछे, तो जब हम लिखते थे उसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जैसे 2 है, 2 से इंक्रीज हुआ 6, 24 45 78 89 92 98। पर उसका जो टोटल था वो यहां पे होना चाहिए था 100 पॉलिसी होल्डर, और मैंने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है, सेम। तो स्टूडेंट यहां पे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो और एक चीज तो आप देखेंगे 100 पॉलिसी होल्डर और यहां पे इसका लास्ट डिजिट लिखा 100, एक वो, और दूसरा आपने देखा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट दो चीजें ऑब्जर्व करनी, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा आपको, दूसरा जो जितने पॉलिसी होल्डर उसकी बात की, जैसे 100 यहां लिखा हुआ, जो टोटल पॉलिसी होल्डर या कुछ भी चीज आपके पास देखो वो यहां पे अगर आपको मिल जाता है, इसका मतलब इट इज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से स्टूडेंट यही चीज क्लियर कर दे, अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आ गया तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी है। तो इस क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है वो स्टूडेंट एक तो बिलो का था, दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी
तब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब आपको बता रहे हैं कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से मैंने स्टूडेंट नेक्स्ट स्केल टेबल की इसको फ्रीक्वेंसी, अगर स्टूडेंट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होल्डर को यहां भी लिख सकते थे, फ्रीक्वेंसी बाद में निकाल दे, पर आपको फिर जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीडियम क्लास निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सीएफ किसको ले। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो तभी सोच लेना कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसको क्या करना, खाली छोड़ देना। और तरीका क्या है स्टूडेंट इसको माइनस करने का, अब देखो मैं यहां नीचे से चलता हूं, जैसे आपने देखो यहां से क्या लिखा 100, तो स्टूडेंट 100 से 98 माइनस कर दिया, क्या बच गया स्टूडेंट 2, नीचे से चले। और दूसरा क्या है स्टूडेंट 98, तो यहां से 98 आ गया और 98 से ऊपर क्या आया 92, तो इसको माइनस किया कितना आया 6। अब 92 है स्टूडेंट यहां से, 92 से ऊपर कितना है 89, अब इसको करो माइनस कितना आएगा स्टूडेंट आपके पास 3, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट क्या 89 माइनस कितना हो गया 78, तो यहां से अगर स्टूडेंट इस लाइन को थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूं, ये आपके पास लाइन को इसकी साइड यूज रही है तो यहां तक, अब यहां से गया 1 तो ये आ गया आपके पास 11, नेक्स्ट आया 78 आ गया, तो इसमें से आपके पास 89 से आपने 78 माइनस, अब 78 से ऊपर क्या 45, तो 45 माइनस किया तो 8 से 5 ये आ गया 33। अब यहां से स्टूडेंट क्या आया, यहां से देखा 45 से ऊपर कितना है 24, तो यहां से आपने माइनस किया तो कितना आ गया स्टूडेंट 5 से 4 21, अब ये 24 है तो ये 24 लिखा, उसके ऊपर क्या है 6, अब 6 की लिखा तो कितना आ गया स्टूडेंट 18, अब यहां पे स्टूडेंट कितना आया 6 से ऊपर 2 है तो क्या आया 4, अब आगे क्या है 2, अब 2 से ऊपर जब ऐसे पिछले क्वेश्चन में करे 6 से माइनस के 2 आया, 2 से ऊपर क्या है 0 तो क्या आया। स्टूडेंट ये हमने यहां से फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बता दिया, क्या किया नीचे से चले 100 से ऐसे करके 100 से 98 माइनस किया, 98 से 92, 92 से 89, 89 से 78, 78 से 45, 45 से 24, 24 से 6, 6 से 2 और 2 से 0 माइनस किया। अब आप कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, तो आप क्या करो इस पूरी फ्रीक्वेंसी को एड कर दो और इसका टोटल अगर 100 आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो आप चेक कर सकते हैं जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहां से आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करते तो यहां पे आएगा 100 और ये 100 यहां भी मैच होगा और आपको पता लग गया कि हमारा टेबल क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है मीडियन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल गिवन, फ्रीक्वेंसी भी गिवन और नंबर ऑफ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी गिवन। तो सबसे पहले हमें निकालनी होती है स्टूडेंट मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें करना पड़ता है n/2, तो n बाई है n है 100 और 100 को 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट कितना है 50। अब 50 को चेक कहां करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना मीडियन नहीं भी क्लियर है तो कहां चेक करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो दिस इज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां से मैं इसको रफ कर रहे हूं जो आपको एक्सप्लेन किया था, तो दिस वन ये आपके पास यहां से क्लियर हो गया। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 50, पर 50 को मैंने क्या कहा था एक ग्रेटेस्ट लेना है या नियरेस्ट लेना, तो 40 किस में आ रहा है 78, तो दिस क्लास को हम ले लेंगे मीडियन क्लास। ये आ गई मीडियन क्लास, क्योंकि किसमें लाइज करा 78 में लाइज करा तो मीडियन क्लास, जिसमें ये जो 35 है इट इज ए लोअर लिमिट और यहां से 33 ये आ गया फ्रीक्वेंसी और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 78 से ऊपर सी एफ यही पे ऐसे मेंशन कर लिया स्टूडेंट 50 एन का हाफ है 50 आपके पास यहां से क्लियर हो गया। तो 50 आपने यहां से ये मीडियन क्लास आ गई कि इसमें आ रहा है, तो ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यहीं से आ गई, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई एफ और जो ऊपर वाली जो होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सब कुछ हमने निकाल लिया, वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो फार्मूले के अंदर स्टूडेंट मीडियन एल स्टूडेंट यहां से आ गया 35 प्लस n/2 हमने यहां से फाइंड आउट किया स्टूडेंट कितना 50 और सी एफ क्या बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर क्या है 45, तो माइनस 45 और फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट यहां से 33, तो ये 33 आ गया और क्लास साइज हमने शुरू में निकाला था कितना आया 5, तो इनटू आ गया 5, तो स्टूडेंट यहां से 35 आ गया प्लस 50 से गए तो 5 इंटू 5 आपके पास 33 आ गया स्टूडेंट, और यहां से 35
और 25/33। अब स्टूडेंट यहां से आपको एलसीएम लेने के बजाय सीधा इसका एलसीएम निकालो 0.76 इसका, आपको इसको काटने आना चाहिए, 0.76 आ गया और इट इज द मीडियन इज इक्वल टू आ गया आपके पास 35.076। तो ये आंसर है स्टूडेंट, ये फार्मूला तो सिंपल वही था, सिर्फ आपको यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और बिलो और मोर देन होगा तो कैसे। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट आपके लिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के थोड़ी हाईलाइट कर देता हूं, उसमें कुछ नहीं है, वो आपको पता है मीडियन ऐसे ही निकालेंगे, बट उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट ये जो मीडियन है यहां एक गलती से जीरो लिख दिया, ये आपके पास 0.7 है तो 35.76 इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी एक्सरसाइज से था, इसकी जो प्रॉब्लम है मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब इसमें से एक क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 4th, उसमें कुछ नहीं है, वो आपको पता ही है कि उसका अगर डाटा की बात करें क्वेश्चन की स्टूडेंट, तो उसमें डाटा जो है वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें लिखा 118 to 126 और 127 to 135 और 136 to 144। सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि जब भी मीडियन करेंगे तो डाटा कंटिन्यूटी में चाहिए, अब यहां से आपको डाटा कंटिन्यूटी में नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन का चेंज यही है कि डाटे को कंटिन्यूटी में लिखना। तो कंटिन्यूटी में लिखने के लिए 0.5 पीछे जाना होता, वो आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका प्रीवियस वीडियो में मीडियम की, तो प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास अगर 0.5 पीछे जाएंगे तो 117.5 और 126.5 पीछे गए 0.5, अब 127.5 पीछे गए तो 126.5 और 135.5 और 135.5 से 144.5। देखो स्टूडेंट डाटा कंटिन्यूटी में बन गया, डाटा कंटिन्यूटी में बन गया, सिर्फ इतना एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना है, आगे मीडियन निकालने का फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चनों की ही तरह ही रहेगा। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी, वीडियो लंबी ना करते हुए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको पार्ट 4 और 5 में 2 में किया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही थी। तो स्टूडेंट वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, नहीं तो आप बार बार देख सकते हैं, और आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई जरूर करें, प्लीज वीडियो को पूरा देख के हर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो स्टूडेंट पार्ट जो 5 था स्टैटिक्स से हमने रिलेटेड कर लिया है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको सीबीएसई में दिस ईयर नहीं आएंगे, पर जो आगे इसके टॉपिक बचता है उसकी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम जब आपके पास लगेगा वो लेके आएंगे। तो नेक्स्ट, थैंक यू, प्रैक्टिस मेक ए मैथ्स परफेक्ट।